हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूं इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट्स विद टैली। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रोफॉर्मा इनवाइस या कोटेशन देने के लिए ऑप्शनल वाउचर का यूज करना। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यापारी अगर माल खरीदना चाहता है तो वो कई व्यापारियों के पास जाके कोटेशनल ले लेता है, ताकि वो कंपेयर कर सके कि कहां से उसको मोस्ट रीजनेबल प्राइस पे गुड मिल सके। अगर इसी तरह हमें भी कोई माल खरीदना है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि कई व्यापारियों के पास जाकर कोटेशनल ले लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा माल कितने में दे रहा है और हम भी यह डिसाइड कर सके कि कौन सा व्यापारी से माल खरीदे जो हमारे लिए लाभदायक हो। एक स्थिति में यह होती है कि अगर हम बैंक से फाइनेंशियल करवा ले रहे हैं तो बैंक भी कई बार हमसे वो कोटेशनल या परफॉर्मा इनवाइस लेती है कि जिससे कि हमें यह पता चल सके कि हम वास्तविक व्यापारी से माल खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। यह सही रेट पे हमें माल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब कोटेशनल में यह होता है कि किसी को माल खरीदना है तो वो कई सारे व्यापारियों से कोटेशन ले सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि हम उनमें से किसी व्यापारी से माल खरीद ही लें। ये जो कोटेशन जो होता है वो केवल अपनी समझ के लिए होता है, ना कि हम व्यापारी से माल खरीदें इसके लिए। अब इसे देखने के बाद किसी व्यापारी ने हमसे माल खरीदना चाहा तो वो खरीद सकता है और उसे प्राइस भी पसंद आ गया, और अब दूर का व्यापारी है और उसने कोटेशन देखकर माल पसंद किया, उसे प्राइस पसंद आ गया और फोन कर दिया कि हमें ये सब माल चाहिए। अब जैसा कि हम उससे पहली बार डील कर रहे हैं और उसे उधार माल भेज भी नहीं सकते हैं, अब हमने उसे कहा कि परफॉर्मा हम उसे भेज देंगे और वह उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दे, तो पता चल जाएगा कि परफॉर्मा इनवॉइस बिल के तहत वो हमें पेमेंट कर देगा, और जैसे ही वह हमें पेमेंट करता है तो हम उसे माल के साथ साथ एक्चुअल बिल भी दे देते हैं। कोटेशन जो है वह सिर्फ माल की प्राइस के लिए होता है, और जिस व्यापारी को हम दिए हैं कोटेशन तो ये जरूरी नहीं सब माल वो व्यापारी खरीद ही लेगा। और फिर परामर्श इनवाइस जो होता है, परफॉर्मा इनवाइस, वो उस टाइम दिया जाए कि जब कोई व्यापारी या पार्टी माल खरीदना चाहता है, और परफॉर्मा इनवाइस बिल एक्चुअल बिल के जैसा होता है। जैसे अगर कोई व्यापारी सेल करता है तो हम उसे सेल बिल देते हैं, परचेज करता है तो परचेज की बिल देते हैं, रिसीप्ट करता है तो रिसीप्ट की बिल देते हैं। उसी तरह अगर कोई व्यापारी माल पसंद कर लिया कोटेशन के थ्रू तो उसे हम परफॉर्मा इनवॉइस बिल देंगे और वो उसके तहत हमें पेमेंट करेगा। अब हम जिस वाउचर का उपयोग करते हैं, अब इसके लिए जिस वाउचर का हम यूज करेंगे टैली में, तो वो वाउचर्स हमें नहीं मिलेंगे। परफॉर्मा इनवॉइस बिल बनाने के लिए टैली में अलग से कोई वाउचर नहीं होता है, तो ऐसे में हम जिस वाउचर्स का उपयोग करते हैं वो रेगुलर वाउचर होता है, जैसे कि जिससे कि हम माल लेते हैं तो उसके लिए हम एंट्री परचेज वाउचर्स में होती है, और माल बेच रहे होते हैं तो उसकी एंट्री सेल वाउचर्स में होती है। तो ये हमारा परचेज वाउचर, सेल वाउचर, जर्नल वाउचर, ये सब हमारा रेगुलर वाउचर है। अब अगर हम परफॉर्मा वाउचर बनाते हैं
तो हमें फीचर्स एक्टिवेट करना होगा, और उसके लिए हम जाएंगे F11 पे, और यहाँ से आएंगे अकाउंटिंग फीचर्स पे, और अकाउंटिंग फीचर्स में ये जो बजट एंड स्क्रेनर्स मैनेजमेंट में जो ये ऑप्शंस हैं, यूज रिसीविंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर, उसे यस करेंगे, जो कि हमने यस कर रखा है, और उसे यस करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वाउचर ऑप्शनल वाउचर यस करने के बाद ऑप्शनल वाउचर में जो एंट्री हमें देखनी होगी, तो वह हम फ्लेक्शन वाउचर्स सेल्स वाउचर्स कंट्रोल एल प्रेस करके ओपन कर लेंगे ऑप्शनल वाउचर को। तो हमने यहां से वापिस आना है स्किप की से बाहर, और अब हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे एंड इंटर प्रेस करेंगे। अब हम माल सेल कर रहे हैं, और हम ये सेल बिल का हमारे पास ऑप्शन है, और यहां पे हम ऑप्शनल वाउचर का यूज करेंगे। तो राइट साइड में है, कंट्रोल एल से हम इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर इसे एक्सेप्ट करके प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने उसे प्रेस किया, उस ऑप्शंस पे जाके कर्सर को रखा और उसे सिलेक्ट किया, तो ये हमारा ऑप्शनल वाउचर यहाँ पे ओपन हो गया। ये हमारा रेगुलर वाउचर सेल्स वाउचर्स के तहत है। अब हम कोई माल व्यापारी को बेच रहे हैं, तो उसके लिए हम सेल्स वाउचर्स में एंट्री करेंगे। तो मान लीजिए हम ये मेगा सॉफ्ट लिमिटेड या नेट क्रॉप इनकॉर्पोरेट किसी, या फिर बिजार क्राफ्ट लिमिटेड, कोई भी एक पार्टी ले लें जिसे हम माल बेच रहे हैं। और फिर तो यहाँ पे हमने मेगा सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड, जो कि सिंडिकेटर्स हैं, और हमने उसे सिलेक्ट किया और इंटरप्रेस किया। अब हम जो माल खरीद रहे हैं उसमें हमें जीएसटी भी देना पड़ रहा है। अब हम कोई फैब्रिक की गुड्स खरीद रहे हैं, तो हमें 18% जीएसटी देने होते हैं। जीएसटी के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। एंड इंटरप्रेस करके आएंगे, सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स एट द रेट 80% लग रहा है, इंटरप्रेस किया। अब मान लीजिए हम यहाँ से टॉय खरीद रहे हैं, जो कि हमारा फैब्रिक में आता है, और हमने टॉय खरीदा जो हमारा मेन लोकेशन से हम ले रहे हैं, और वो हम 12 पीस ले रहे हैं, और रेट लग रहा है हमें 150 रुपया पर पीस एंड डिस्काउंट, एंड हम इंटरप्रेस करके आएंगे नीचे। और अब यहाँ पे एक और हम ले रहे हैं ट्वाई बहन, मान लीजिए हम ले लिए, और ये भी हमारा मेन लोकेशन से है, क्वांटिटी हम 10 पीस ले रहे हैं, और रेट लग रहा है 200 रुपये। हम इंटरप्रेस करेंगे, और मान लीजिए हमने ये गुड्स खरीदा, तो इस पे हमें वैट से जीएसटी लग रहा है, और गाड़ी का भाड़ा भी लग रहा है। तो हम फ्रेट एंड कैरेज ले लें, मान लीजिए ये हमारा टोटल लग रहा है 200 रुपये लाने में घर तक, और इसके बाद इसमें जीएसटी जो हमारा लग रहा है, वो जीएसटी जो टोटल रेट आएगा इसका, जैसे 4000 रुपये आया, तो टोटल रेट पे 50-50 लगेंगे IGST एंड CGST। तो हम यहाँ से गवर्नमेंट को पेड कर दें, तो यहाँ पे हम इंटरप्रेस करके जो टैक्सेस हमें लग रहे हैं, जैसे GST जो हमारा लगता है, वो हमें स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बराबर देने होते, तो हमने CGST सिलेक्ट किया, और 4000 रुपये टोटल अमाउंट आ रहा है। इसमें 2000 रुपये दो हज़ार हम दोनों गवर्नमेंट को पेड कर दें, एंड ये CGST था एंड SGST, एंड देन अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने जो ये एंट्री की है, इसे देखने के लिए हम आएंगे डिस्प्ले पे, एंड डिस्प्ले से आएंगे डेबुक में, एंड डेबुक से हम इस एंट्री को देख सकते हैं कि हमने जो मेगा सॉफ्ट लिमिटेड से ऑप्शनल वाउचर में जो एंट्री की है, वो
टॉय हमने 12 पीस खरीदा 150 रुपया पर पीस, 1800 रुपया लगा। टॉय वैन हमने जो खरीदा वो 10 पीस खरीदा और 2000 रुपया लगा, और उसे लाने में हमारा भाड़ा 200 रुपया खर्च हुआ, टोटल अमाउंट हमारा 4000 का हुआ, और जो टैक्सेस हमें देने पड़े 4000 में वो 2000 होके टोटल 22 पीस हमारा क्वांटिटी आया, और जो अमाउंट हम खर्च किए वो हमारा 8000 रुपया हो गया। वापिस हम स्केप की से बाहर आएंगे और अब हम देख सकते हैं कि इस एंट्री को हम देख सकते हैं अकाउंट्स बुक में जाके लेजर पे, एंड जो हमारा था मेगासॉफ्ट उसको हम ओपन करेंगे और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी सेल्स की जो 18% की एंट्री हुई है वो है, एंड इस एंट्री को हम एक्सपेंशन रिपोर्ट में भी जाके देख सकते हैं, ऑप्शनल वाउचर में भी जाके देख सकते हैं, एंड ऑप्शनल वाउचर्स में भी हम इस एंट्री को देख सकते हैं, एंड हम इसे रिजर्विंग जर्नल में भी देख सकते हैं, और इस वाउचर्स को हम लेजर्स में भी देखा। फ्रेंड्स अब अगर हम इनवॉइस परफॉर्मा बिल जिस पार्टी के नाम पे दिए हैं उस पार्टी का भी हमने लेजर देखा। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है परफॉर्मा इनवॉइस बिल बनाने में तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारी DVD परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.iptindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।